बीजेपी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस तरह से डर मुस्लिमों में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने की, उसको सिर्फ सुरक्षित रख सकता है सिर्फ कांग्रेस ही रख सकती है। नाना पटोले का एक स्वभाव रहा है हमेशा, वो मैच फिक्सिंग नहीं करता। जब 2017 में भी आपने देखा कि नाना पटोले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, नहीं जमा तो खुद स्वयंभू विश्व गुरु के सामने भी हमने लड़ लिया। ये जो सरकार है राज्य का, उनने जो कर्जा राज्य पे लिया है वो उस पैसे को लूटने का काम किया, यूज नहीं किया है, बड़ा करप्शन इन लोगों ने किया है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेंगी कि करप्शन पहले बंद हो। अभी आपको सीट्स एलोकेशन मिला 103, आपको आप उससे खुश हैं? हमारी नीयत वो नहीं है कि हमारे अलायंस को ही हम खत्म कर दें। बीजेपी तो डायरेक्ट बोलती है, उनके जेपी नड्डा ने तो कहा कि हम स्टेट पार्टियां सब खत्म कर देंगे। सर, ये लाड़की बहन योजना जो है, इसका इतनी खिलाफत क्यों है एमवीए को लेकर, एमवीए में मतलब? हमने विरोध करने का कारण, जनता का पैसा अगर जनता को मिलता तो उसको विरोध करने की भूमिका कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस जहां विरोध करती है, जहां पर जनता का पैसा लूटकर मुट्ठी भर उद्योगपति को देने का जब काम करती है बीजेपी, तब हम लोग विरोध करते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में इन लोगों का पानीपत हो गया। लोगों ने मोदी और महाराष्ट्र की महायुति की सरकार को नकारा और तब इनको लाडली बहना याद आई। तब तक तो नहीं आई, लेकिन लाडली बहना का 1,500 रुपया देने से इन लोगों ने उसी समय में जोर से महंगाई बढ़ा दी। यानी 1,500 के जगह 5,000 रुपया लाडली बहनों से लूट लिया इन लोगों ने। ये बेईमान भाई है। 2023 में जो एक आंकड़ा आया पूरा कि बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेस हो रहे हैं और महाराष्ट्र में उस नंबर वन है, ऐसे वक्त पे जो अपोनेंट मतलब अपोजिशन है वो ऐसे इश्यूज को रेस क्यों नहीं करता उस पर? बीजेपी नहीं चाहती, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहती, ये ऑल इज वेल यही दिखाने की कोशिश करती है। मीडिया को मैनेज करके रखी है पैसे के भरोसे सरकार ने। ईवीएम को लेके जब कांग्रेस जीतती है तब तो कुछ नहीं कहती, और जब हार होती है तभी ईवीएम पे ऑब्जेक्शन क्यों होता है? शंका जो है कांग्रेस के मन में नहीं, देश की जनता के मन में, और कांग्रेस इसके बारे में नहीं बोली है। पब्लिक बोलती कि हमने वोट कांग्रेस को दिया और ये कैसी सरकार बनी। क्यों नहीं सरकार संविधान के आधार पर लोगों की डिमांड जो है उसके आधार पर बैलेट का वोटिंग क्यों नहीं करते? 2019 में अलायंसेस डिफरेंट थे, गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म में, और उसके बाद वापस से वो पार्टीज टूट गई और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको लगता है कि अभी जो रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, उसके बाद वापस से ये सिचुएशन हो सकती है? देखो, हम विश्वास के साथ चलते हैं। जब भी अलायंस टूटा तो हम किसी की सरकार तोड़ने नहीं गए या किसी का अलायंस तोड़ने नहीं गए थे। अगर ये शंका आपके मन में आती है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि